पलवल के हसनपुर में अल्टीमेट फिटनेस हब नामक जिम पर डराना गांव के सरपंच रोकी पर गोलियां चलाई गई। हालांकि सरपंच की जान बच गई। जानकारी के अनुसार जब तक बदमाश गाड़ी के पास पहुंचे और गोलियां चलाई गई, उससे कुछ सेकंड पहले ही सरपंच गाड़ी से उतरकर जिम के अंदर चले गए थे। इस वारदात की घटना में जिम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। सूचना पर हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सुबह हम एक्सरसाइज करने के लिए आए थे, मैं और हरिओम। तो सुबह हम जब जिम पर वहाँ पहुँचे, बस मात्र गाड़ी खड़ी ही करी थी, बस दो सेकंड हमें गाड़ी से उतरे हुए हुआ था। ऐसे ही दो सेकंड बाद ही हमारी गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। उनको नहीं पता था कि हम गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, और गाड़ी में गोली चलाने के बाद उन्होंने बुट से शीशे तोड़े, उसमें देखा कि ये मरा या जिंदा है, उसमें हम मिले नहीं हैं। वहाँ से फिर वो एक दो मिनट दो सेकंड बाद वहाँ से वो निकल गए। तो कितने बंदे थे? दो। कोई पहचान हो पाई? पहचान मेरी कोई नहीं हो पाई थी। क्या पहले भी कोई आपके उसके बाद था? उसके बाद हम जिम में अंदर थे, अंदर से हम उनको देख रहे थे। एक आध मिनट वहाँ रुके, बाहर जिम का चौकीदार साहब, मैंने वहाँ 112 पे कॉल करी है पहले, फिर एसएसओ साहब को कॉल करी है। वहाँ मौके पर पुलिस पहुँची है, उन्होंने निरीक्षण किया है। वहाँ फिर जिम का चौकीदार जो होता है देख रेख करने के लिए, उसने बताया गया है कि वो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि कुलदीप के विरोध अगर आप बोलोगे, हरवीर के विरोध बोलोगे तो जान से मार देंगे, गाली गलौच भी करी है उन्होंने बताया चौकीदार ने। और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, मुकदमा दर्ज कर रही है। हमने उनसे कहा कि हमें जान से नियति से वो लोग आए और हम पे जान से लेने के लिए हमारी गाड़ी पर गोली चलाई। और सभी आप एक हुए, गांव के लोग हैं, सरपंच है कई गांवों का साथ, तो किस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं? एक तरफ तो यही इकट्ठे हुए हैं कि दिन दहाड़े इतना हंगामा, इतना पुलिस प्रशासन होते हुए भी दिन दहाड़े 5:30 बजे की ये घटना घटी है। दिन में सुबह मॉर्निंग में ऐसी घटना, जो ये लोग बदमाश इतनी बदमाशी फैला रहे हैं कि ऐसे तो जान से मारे देंगे, जनप्रतिनिधि हैं हम, तो समाज के सेवक भी हैं, और ऐसा अगर हो जाएगा तो ये तो हमें फाउंडेशन में करना चाहते हैं। तो अब क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएसपी से मिले आप? अब मैंने एसओ साहब डीएसपी साहब से बोला कि इसमें जी 109 की धारा ऐड करें। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें 109 की धारा ऐड अभी करके आपको बताते हैं कि कैसे क्या है। जान से मारने की नीयत से मेरी गाड़ी पर गोली करी है। मेरी गाड़ी पर ब्लैक वो कवरिंग लगे हुए हैं जिससे उसमें अंदर बैठा हुआ इंसान दिखता नहीं है कि उसमें कौन बैठा है, कैसे बैठा है। का ऐसा हाथ रहा है जिसके 2 सेकंड में ही जो सरपंच पर जिम पर सर गोली चली, क्या मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है कि हसनपुर में जिम के पास गोली चली है। जो रोकी सरपंच है डराना का, तो जैसे ही वो जिम पहुँचने के बाद तो गाड़ी से उतर के अंदर गया, तो उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। तो इस संबंध में हमने दरखास्त ले ली है और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं जी। सर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, वो गोली चला रहे हैं दो बंदे जिन्होंने अपना मुंह का कपड़ा बांधा हुआ है। तो सर आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर रखी हमने, अब इसी गरीब को गिरफ्तार कर।